ये देखिए, दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सांप के सिर में क्या होता है? जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सांप के सिर पर जो आप देख रहे हैं, बाजार में उसकी कीमत करोड़ों रुपए है। दोस्तों इस चीज को नागमणि कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने नागमणि के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसका असली सच पता है? क्या वाकई में नागमणि अस्तित्व में है, या फिर ये सिर्फ कहीं कहीं बातें हैं? क्योंकि फिल्मों वगैरह में तो हम देखते सुनते आ रहे हैं कि नाग के पास मणि यानी एक पत्थर होता है जिसे स्नेक स्टोन कहते हैं। ये बात केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर नाग की इस मणि की बातें होती रहती हैं। तो क्या ये सच है या फिर इसके पीछे सिवाय अफवाह के और कुछ नहीं? इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। आज हम आपको सांप के सिर पर मौजूद एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर कोई कोबरा सांप 100 सालों से भी ज्यादा जिंदा रह जाता है तो उसके सिर पर पाए जाने वाले वेनम ग्लैंड जिसके अंदर जहर भरा होता है वो सॉलिडिफाई होकर पत्थर की तरह मजबूत एक मणि में बदल जाती है। ये मणि बहुत ही ज्यादा अनमोल होती है जिसके कई सारे उपयोग होते हैं, और ये मान्यता केवल भारत में नहीं बल्कि आपको दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिलेगी जहां लोग ये मानते हैं कि सांप के सिर पर ये मणि पाई जाती है। लेकिन इसके असली सच्चाई से लोग अभी भी अनजान है, क्योंकि जब हम इस पर अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक सांप ज्यादा से ज्यादा कितने सालों तक जी सकता है। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब में हमें पता चला कि एक सांप को आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतने ज्यादा लंबे समय तक जी सकता है। जैसे कि एक पाइथन सांप औसतन 40 से 45 साल तक जीवित रहता है, तो वहीं भारत में पाए जाने वाले किंग कोबरा ज्यादा से ज्यादा 23 साल तक जीवित रहते हैं। और अगर हम इस दुनिया में रिकॉर्ड किए गए अब तक के सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाले सांप के बारे में बात करें तो वो अजगर है, जिसे रेनबो बोआ के नाम से जानते हैं। इसे पिंजरे में कैद करके रखा गया था और ये सांप 43 सालों से ज्यादा समय तक जीवित रहा। अब आप खुद ही सोचिए, जब इस सांप को 43 सालों तक पिंजरे में कैद करके रखा गया तो इतने लंबे समय तक जीवित रहा, तो अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाता तो इसका जीवन काल और ज्यादा बढ़ जाता। क्योंकि ये बात रिसर्च में पाई गई है कि सांप पिंजरे में खुले माहौल के मुकाबले कम समय तक जीवित रहते हैं। लेकिन हाँ, इन सारी बातों से एक चीज तो तय है, कोई भी 100 सालों तक जीवित नहीं रह सकता। जहाँ बड़े से बड़े सांप भी 50 साल में मौत के घाट उतर जाते हैं, तो फिर भला 100 सालों तक सांप के जीवित रहने का सवाल ही नहीं होता। कम से कम अभी के जमाने में तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी सारी बातें जानने के बाद आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि अगर कोई सांप 100 सालों तक जीवित रह ही नहीं सकता तो फिर YouTube पर ऐसे वीडियो वायरल क्यों हो रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि सांप के सिर पर नागमणि होती है। तो दोस्तों जब इस बात पर पूरी तरह से जांच हुई तो ये बात पता चली कि कुछ सपेरे सांपों के सिर के ऊपर, जहाँ पर उनकी चमड़ी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है, वहाँ एक चीरा लगाते हैं और फिर उसके अंदर एक काले रंग के पत्थर को पहले से डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसी चमड़ी को इस तरह चिपका देते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई काले रंग का पत्थर है और पहले से ही सांप के सिर में मौजूद है। और जब ये सपेरे लोगों के सामने जाते हैं तो लोगों को भ्रमित करने के लिए चाकू से उस चमड़ी को फिर से काट कर उनके द्वारा डाले गए पत्थर को निकालते हैं और लोगों से बोलते हैं नाग के सिर से नाग मणि निकली है, जो कि बड़ी दुर्लभ है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए लोग नागमणि के लालच में आकर सपेरों से इसे खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि फिल्म वगैरह की तरह इनकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन भोले वाले लोगों को ये पता नहीं रहता कि ये सपेरा उनके साथ धोखा कर रहा है। अगर विज्ञान की माने तो उसके मुताबिक सांपों के सिर पर कोई नागमणि नहीं होती, पर भारतीय मैथोलॉजी की माने तो उनके मुताबिक नागमणि वाले सांप बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जो लाखों करोड़ों में एक पाए जाते हैं और उनका जीवन काल 100 सालों से ज्यादा होता है। अगर हम विज्ञान और मैथोलॉजी को एक साथ लेकर चले तो ये बात सच है कि अभी तक नागमणि वाला कोई भी सांप हमें इंसानों के हाथ तो नहीं लगा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि सांपों की इस दुनिया में हमने अभी तक बहुत ही कम सांपों को खोजा है। सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से जीव हैं जिनके बारे में हम इंसानों को कुछ नहीं पता कि वो जीव किस तरह के हैं, किस तरह काम करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए बात भी सच हो सकती है कि कुछ सांप ऐसे हैं जो कहीं छुपे बैठे हो, उनके अंदर नागमणि मौजूद हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का सांप कभी मिले ही ना,
इस कंडीशन में दोस्तों हमें नागमणि का ख्याल छोड़कर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सांप के सिर पर आखिर पाया जाता है क्या। जब हम सांप के सिर के एनाटॉमी को देखते हैं तो सांप के सिर पर एक वेनम ग्लैंड पाई जाती है जो कि उसके दांतों से जुड़ी रहती है। जब कभी भी सांप को अपने शिकार को पकड़ना होता है तो सबसे पहले अपने हाथों से जहर को उस जानवर के अंदर इंजेक्ट करता है और फिर धीरे धीरे सांप उसके शिकार को अपने पेट के अंदर ले जाता है ताकि वहां पर उसके फूड का डाइजेशन हो सके। दोस्तों सांप के डाइजेशन का ये प्रोसेस 3 से 5 दिन चल सकता है या फिर उससे ज्यादा भी चल सकता है। आपकी बॉडी जितनी गर्म होगी उसका फूड उतना जल्दी डाइजेस्ट होगा। दोस्तों सांप के इसी वेनम ग्लैंड में इनका एक छोटा सा दिमाग पाया जाता है जो कि जैकोब्सन ऑर्गन से जुड़ा होता है। इसका काम सांपों के अंदर केमिकल सेंसरी को डिटेक्ट करना यानी कि सूंघना होता है। उसके अलावा मेंटिंग के लिए ये सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है। अब सांप का ये ब्रेन और वेनम ग्लैंड जो कि सांप के सिर पर पाया जाता है, क्या ये हार्ड होकर मणि का रूप ले सकता है? तो दोस्तों इसका साफ जवाब है नहीं। अभी तक ऐसा किसी भी सांप के अंदर नहीं देखा गया क्योंकि सांपों के अंदर ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है जो कि मोती या नागमणि को डेवलप कर सके। पर क्या पता जिन सांपों को अब तक ढूंढा नहीं गया है उनके अंदर ये नागमणि पाई जाए या फिर नागमणि वाले सांप कहीं छुपे बैठे हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप अपनी उम्मीद मत खोना। बाकी इस तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।